देसी एग्रो में आपका स्वागत है। अगर आप एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने कवर किया है एक नया पोल्ट्री फार्म जो सामने आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कैसे सेटअप होता है इसका और कैसे साफ़ सफाई आपको रखनी है, इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे। जैसा सामने आप देख सकते हैं ये पोल्ट्री फार्म, ये करीब 12,000 बर्ड्स का फार्म है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 6,000 करके इन्होंने रखा हुआ है। चलिए इस वीडियो में इसके अंदर देखते हैं कि फॉर्म के अंदर कैसा सेटअप किया हुआ है। वाओ, ये अभी नया सेटअप डाला इन्होंने। इसमें क्या क्या है भाई, मुझको बताइए जरा। ये पानी वाला ऑप्शन है यहाँ से, मतलब ये ऊपर से निकल, ऊपर जाता है ये पाइप। अच्छा, ये पाइप लगी हुई है, टंकी सप्लाई है इसको, टंकी से सप्लाई इसमें से आता है, देखो पानी आता है इसमें से, देखो। अच्छा, ये उठता है, मतलब जब हल्का रहेगा तो पानी आएगा, जब भर जाएगा इसे तो बंद हो जाएगा पानी। अच्छा, हाँ, ठीक, ऑटोमेटिक, सही है, सब कुछ ऑटोमेटिक कर रखा है आपने। और ये वाला क्या है, ये इसमें चारा दाना डालता है, इसमें दाना रखते हैं आप, कंपनी का दाना आता है। अच्छा, कंपनी का दाना डालते हैं आप। ये 6,000 बर्ड्स का आपने तैयार किया है ना, ये मीट के लिए है ना, ये अंडे तो देती नहीं है। नहीं, नहीं, मीट के लिए, मीट के लिए है। अंडे वाला तो उधर है, सामने उधर बनाया। अच्छा, दूसरे साइड में आपने बनवाया है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। ये जाली बैरिकेडिंग करने के लिए आपने लगाया है ना, माने छोटे चूजे जब होते हैं छोटे तो उनको आप अलग कर देते हैं इससे, और बड़े वाले एक साइड हो जाते हैं। नहीं, जितने बढ़ेंगे उतने ही मतलब जाली हटा के चल जाएगा। हाँ, मतलब जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे जब चूजे होंगे तब आप इनसे उसको वो कर देते हैं, जब बड़े होंगे तो अपने आप इसमें फैल जाएंगे पूरी तरह चारों तरफ। तीन गाला बनाते हैं, तीन। हाँ, तीन। अच्छा, ऐसे तीन बनाते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनको रखना। सुपर गोल्ड कंपनी का है ना। कितने किलो का होता है एक पैकेट? 50 केजी का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनके फीड के लिए, ये सुपर गोल्ड प्रीमियम प्लस बॉयलर फीड है, ये इनको देते हैं ये मुर्गियों को। अगर आप नया सेटअप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि जहाँ पे भी आप इसका सेटअप कर रहे हैं वो ज़मीन से ऊपर हो थोड़ा, ताकि पानी बरसात में पानी अंदर ना जाए। और चारों तरफ से आप देख रहे हैं इसमें प्लास्टिक लगाई हुई है, उस तरीके से आप रैप कर दें ताकि गर्म हवा या ठंडी हवा बहुत तेज़ी से अंदर ना आ सके। और आपको वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बैलेंस रखना होगा, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा ना रहे, ये सब आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसे करते तो आपको लॉस नहीं होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देसी एग्रो।